यू न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यज्ञ दत्तात्रेय स्वागत करता हूं इस चैनल पे। दोस्तों, आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो प्राचीन काल से ही मूर्ति कलाओं में, शिल्प कलाओं में और अन्य पता नहीं कितने प्रकार की कलाओं में निपुण रहा है। वो विश्व के अंदर नंबर वन पे आता था ऐसी कलाओं के मामले में। परंतु मैं आज एक ऐसे ही कला के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको मूर्ति कला कहते हैं, शिल्प कला भी कहते हैं, क्योंकि वो मूर्ति कला भारत के अलावा किसी भी देश में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो एक स्थान है भारत के अंदर और इसका नाम सुनते ही, खजुराहो का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर खजूर के बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसलिए उस जगह का नाम खजुराहो है। और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नाम की एक जगह है जो कि जंगल और पहाड़ों से घिरी हुई है। उसके बीच में बहुत सारे मंदिर हैं, लगभग आज के समय में वहाँ पर 25 मंदिर हैं, लेकिन अब से 1000 वर्ष पहले वहाँ पर 50 से, ये कहा जाता है कि 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक चंदेल राजाओं ने यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया था। और ये मंदिर के जो मूर्तियाँ हैं वो इस प्रकार की हैं कि वहाँ पर सेक्स के जो पोस्टर हैं वो अलग ही अद्भुत तरीके के हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आज के समय में पोस्टर दिखाए जाते हैं उसी प्रकार के हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक स्त्री के साथ तीन तीन व्यक्ति हैं, कैसे ऊपर नीचे अलग अलग व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए किस प्रकार मुँह का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के पोस्टर कर रहे हैं, किस प्रकार के आलिंगन की अवस्था है, ये सभी उस मूर्तियों में दिखाया गया है, उस मंदिर की दीवारों पर दिखाया गया है कि कैसे कैसी कृत्याएँ यहाँ पर हुई हैं। हालांकि आज के समय में क्या होता है कि हम इस चीज़ को बहुत गोपनीय तरीके से रखा जाता है। यदि हम सेक्सुअल किसी साथ प्रवृत्ति होती है किसी व्यक्ति की, तो उसको थोड़ा गुपचुप गुप्त तरीके से रखा जाता है। परंतु ये सोचिए कि उस समय जब मूर्तियों के रूप में भी ये दिखाया गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में, स्थान को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सर्टिफाइड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1986 में विश्व की धरोहर इसको घोषित कर दिया था, इस स्थान को, कि ये आज से विश्व की धरोहर है 1986 से। लेकिन यहाँ पर मात्र 25 मंदिर रह गए और वो मंदिर भी कैसे छिपके रह गए वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि लगभग 1300 ईस्वी से लेकर और 17वीं ईस्वी तक यहाँ पर मुसलमानों का राज रहा है पूरे भारत के अंदर। दिल्ली सल्तनत पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा है, कुछ मंदिरों को उन्होंने भी ध्वस्त किया है। लेकिन 1495 ईस्वी में जब सिकंदर लोदी दिल्ली की सल्तनत पर राज कर रहा था, उस समय उसने इन मंदिरों को सबसे ज़्यादा मात्रा में हानि पहुँचाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण 25 मंदिर बचे रह गए और ये मंदिर जंगल की आड़ में बचे रह गए, पहाड़ के सुनसान इलाका है वहाँ पर बचे रह गए, बाकी मंदिरों को उसने ध्वस्त करा दिया। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप इसको देखने जरूर जाइएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन अगर इसको देखने का आपको सौभाग्य मिल जाए तो पूर्णिमा के दिन जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के जो पत्थर हैं, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वो ऐसी अद्भुत नज़र आती हैं कि आप देखकर प्रशंसा से खुशी के मारे उछल पड़ोगे। इतना मनमोहक पूरा तत्व हो जाता है, इतना मनमोहक वहाँ के शिल्प कलाएँ हैं, मूर्ति कलाएँ हैं कि देखकर आपका मन बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी हो जाता है, लेकिन आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है। इस प्रकार की कलाकृति मूर्तियाँ वहाँ पर बनाई गई हैं मंदिर की बाहरी दीवारों पर कि उनको देखकर हर किसी का मन उत्तेजित हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल पोस्टर इस प्रकार के वहाँ पर बनाए गए हैं। अगर आपको देखना मन है तो आप जरूर जाइएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। नमस्कार।